गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे इस चैनल पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलने वाला है, तो उसी के क्रम में आज का ये हमारा हिंदी का फोर्थ वीडियो होगा। इस वीडियो के अंतर्गत पूरे वीडियो में हम आपको भाषा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा भाषा, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। भाषा से आप सब जानते हो कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, और आज का ये वीडियो आपको देखने के बाद भाषा बिल्कुल भी शुरू से लेके लास्ट तक कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको समझते जाना है, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको मैं बताऊंगा कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है या रफ में नोट कर लेना है। जो भाषा होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाषा आखिरकार होती क्या है। ठीक है, एग्जाम में इसकी कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और कुछ राइटर्स के आधार पर भी पूछ ली जाती है। तो पहली चीज तो ये देखिए कि भाषा जो होती है हमेशा श्रव्य होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, भाषा हमेशा क्या होती है, श्रव्य होती है। जबकि लिपि जो होती है, हमारी जो लिपि होती है, अभी मैं चर्चा करूंगा, केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं थोड़ा सा। जो लिपि होती है हमारी, वो दृश्य होती है। वो कैसी होती है? दृश्य होती है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है हमेशा वो क्या होती है, भाषा हमेशा वर्णात्मक होती है। भाषा हमेशा क्या होती है, वर्णात्मक होती है। जबकि लिपि हमेशा क्या होती है, वो अक्षरात्मक होती है। ठीक है, अक्षरात्मक होती है या शब्दात्मक होती है, ऐसा समझ लो, शब्दात्मक होती है। इसको हम बाद में बताएंगे कि वर्णात्मक का क्या मतलब होता है, शब्दात्मक का क्या मतलब होता है। अभी केवल आपको इतना देखना है कि भाषा जो है वो क्या होती है, श्रव्य होती है और वर्णात्मक होती है। लिपि जो होती है वो हमेशा क्या होती है, दृश्य होती है। मैं इनके सबके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करूंगा, आज आपका ये टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। इन सारी चीजों को आपको दिमाग में बड़े आराम के साथ बैठाना है, ठीक है ना। संस्कृत के भास धातु से हुई है, इस चीज को ध्यान रखना है। भास में यहाँ हलंत जरूर लगा होना चाहिए। MPSI के एग्जाम में इस तरह की माइनर चीजें बहुत पूछी जाती हैं। भास तो लिखा रहेगा लेकिन हलंत नहीं लगा रहेगा, तो आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें हलंत लगा होना चाहिए। तो भास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या होता है? बोलना या कहना होता है। ठीक है, ये देखना, ये भाषा की उत्पत्ति हुई किससे? संस्कृत के भास शब्द से हुई है या संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या लिखना। अब देखते हैं कि अच्छा, यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि हिंदी की जो आदि जननी हुई तो क्या हो गई, संस्कृत हो गई। क्या हो गई? संस्कृत हो गई, क्योंकि जो शब्द ही बन रहा हो किससे बन रहा है, संस्कृत से बन रहा है। तो हिंदी की आदि जननी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहां पास लिख भी देता हूं, हिंदी की आदि जननी जो है, हिंदी की आदि जननी अगर पूछा जाए तो क्या हो गई, संस्कृत हो गई, आदि जननी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत हो गई। अब देखते हैं कि भाषा क्या होती है। अब भाषा का मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, अब देखते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए, भाषा वह युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा ऐसा साधन होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट करते हैं एवं दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है, ये पूछी गई परिभाषा है। तो आप याद रखें, कामता प्रसाद गुरु ने इस चीज को कहा था। कामता प्रसाद गुरु, इस चीज को मैं यहाँ पास लिख देता हूं, कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि भाषा ऐसा साधन है
ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम आपसे बात करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं उसको हम शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो आप जो अंदर सोच रहे, जो आपके चेतन अचेतन अर्ध चेतन मन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसको हम सामने प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक उपकरण चाहिए। तो वो उपकरण क्या हो जाता है, हमारा भाषा कहलाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। अच्छा, एक डेफिनेशन और याद रखना है जो MPSI में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर भाषा रूपी लौ संसार में ना जली होती तो संसार अंधकारमय होता, ये कथन किसका है। तो गोस्वामी वाजपेयी का ये कथन है, अटल बिहारी वाजपेयी ना समझें, उनका पूरा नाम था गोस्वामी वाजपेयी जी। तो गोस्वामी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अगर भाषा रूपी लौ संसार में ना जली होती तो संसार क्या होता, अंधकारमय होता। ये डेफिनेशन पूछी गई थी। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। अब अपन देखते हैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ और चीज देखते हैं। हिंदी हमारी कैसी है, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट चीजें आप जो, हाँ ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि विश्व की 3000 भाषाओं में हिंदी एक है। विश्व की 3000 भाषाओं में हिंदी एक है या हिंदी प्रमुख है, हिंदी एक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि हिंदी कैसी है, वियोगात्मक है एवं विश्लिष्ट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी कैसी है तो ये वियोगात्मक है, ठीक है, कैसी है, वियोगात्मक है, वियोगात्मक है एवं विश्लिष्ट है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि वियोगात्मक का मतलब क्या है, विश्लिष्ट का मतलब क्या है। वियोगात्मक है एवं विश्लिष्ट है, इस चीज को ध्यान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, विश्लिष्ट है, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अब जब हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से हिंदी का जब विकास क्रम चालू हुआ तो उस समय हमारे पास भाषा के आधार पर परिवार थे। हमारे देश में, भारत में, आधुनिक भारत नहीं, प्राचीन भारत, जिसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सिंध का प्रांत भी था, प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में क्या था कि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर परिवार थे, ठीक है। और परिवार कितने थे, भाषा के आधार पर उस समय चार परिवार थे। कितने परिवार थे, चार परिवार थे, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे बड़ा परिवार था वो था भारोपीय परिवार। कौन था, भारोपीय परिवार था, मतलब भारोपीय का मतलब क्या हुआ, भारती प्लस यूरोपियन, ठीक है, भारती प्लस यूरोपियन, इन दोनों का एक परिवार था। तो ये परिवार जो है जिस भाषा को यूज करते थे वो भाषा कौन सी थी, हिंदी भाषा थी। तो हिंदी भाषा किस परिवार की है अगर ये पूछा जाए तो भारोपीय परिवार की भाषा है, ये आपको याद रखना है, भारोपीय परिवार की भाषा है क्या, हिंदी। ये उस समय लगभग 70% जो थे तो यही परिवार थे, सबसे बड़ा परिवार। क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन था, तो यही था, भारोपीय परिवार था, ठीक है। किस परिवार की हिंदी भाषा है तो आपको याद है, भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। अब दूसरी चीज पे ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द आखिरकार बना कैसे, अब इसको समझिए, हिंदी शब्द आखिर बना कैसे। देखो हमारे इस चीज को समझना है आपको, लिखना नहीं है। तो उस समय हम जानते हैं कि हमारा भारत और फारस, फारस माने ईरान, फारस माने ईरान, अब प्रशियन माने जर्मनी, इस चीज को ध्यान रखना है। जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द बार बार आते हैं कि फारस, अब आधुनिक हम देखते हैं तो फारस कहें, फारस माने ईरान,
प्रशियन मींस जो होता है वो होता है जर्मनी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं। तो हमारा जो व्यापार था, हमारा जो संबंध था फारस नामक कंट्री से, मतलब आधुनिक ईरान नामक कंट्री से, बहुत प्राचीन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से चला आ रहा था। और दूसरी चीज ये समझना है, भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने भी आक्रमण किया है, तो वो आक्रमण कहाँ करते थे? सिंह द्वार पर करते थे। सिंह द्वार मतलब सिंधु का प्रांत था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे वो द्वार था, ठीक है, वो द्वार था। अभी भी जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उसी इलाके से होती हैं, बाकी हर जगह से नहीं होती हैं, तो वो सिंह द्वार का क्षेत्र कहलाता था। तो वहीं से विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे और वो सिंधु का क्षेत्र था। तो जो फारस के लोग होते थे तो वो लोग क्या करते थे कि सा को हा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सा को हा कहा करते थे। तो सिंधु के स्थान पर वो क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे, ठीक है, हिंदू कहने लगे, या सिंध को हिंद कहने लगे। ये आप ध्यान रखिए, सिंध को क्या कहने लगे? हिंद कहने लगे। फिर इसमें क्या हुआ? देखो, सा का परिवर्तन किसमें हो रहा? हा का। धा धनुष का परिवर्तन किसमें हो रहा है? दादवाद का। तो माने फारस के लोग जो थे वो सा सरवता को क्या बोला करते थे? हा हलवाई बोला करते थे, और धा धनुष को क्या बोला करते थे? दा बोला करते थे। सिंध से हम बन गए हिंद में। अब हिंद जो है, हिंद में प्रत्यय ई जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? प्रत्यय ई जोड़ा, बड़ी ई जोड़ी गई, तो क्या हो गया? हिंदी हो गई। हिंदी का अर्थ क्या हुआ? हिंद के निवासियों की भाषा। क्या हो गया? हिंद के निवासियों की भाषा हिंदी, ये पूछा गया अर्थ है। वैसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ये पूरी स्टोरी समझ में ना आई हो तो उसको भूल जाइए। इसमें एक चीज जो है पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान, मैंने बताया ना कि हिंदी कैसे बना, फारस के लोग आए फिर क्या क्या बोले, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदी का अर्थ क्या है? तो हिंदी का अर्थ है हिंद के निवासियों की भाषा, हिंदी। हिंद के निवासियों की भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई, ठीक है। अब आते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अब थोड़ा हम लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लिपि होती है, पहले तो ये समझिए कि लिपि होती क्या है, ठीक है, लिपि होती क्या है ये समझते हैं। लिपि क्या होती है कि जब भाषा को हम संकेत के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा था ना लिपि क्या होती है? लिखित होती है, दृश्य होती है। तो जब कोई चीज लिखी होगी उसी को आप देखोगे। तो मैंने शुरू में बताया था कि लिपि क्या होती है? दृश्य होती है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। तो लिपि क्या हो गई? वर्णों की संकेत हो गई। जब हम वर्णों को संकेत के माध्यम से करेंगे अथवा किसी भाषा को संकेत के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। तो लिपि का जो, लिपि की जो प्राचीन लिपि है, मतलब लिपियों की जो जननी है वो क्या है? वो कहलाती है ब्राह्मी लिपि। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि जो है सभी लिपियों की जननी है। मैं इसका विकास क्रम यहाँ पे ड्रा कर देता हूं। एक क्वेश्चन 100% आपको ये पूछा जाता है, आपको कभी नहीं भूलेगा, मैं ये बता देता हूं। आदि जननी क्या हो गई? ब्राह्मी लिपि। फिर जब आपके हमारे सहयोगी टीचर इतिहास के जब आएंगे, जो हम गुप्ता डायनेस्टी में पहुंचेंगे सहयोगी टीचर, तो वहां पास जो है तो इस चीज को और आप डिटेल देखोगे। ये पहले ब्राह्मी लिपि ही रहती है, ये बौद्धकालीन रहती है। बौद्धकालीन मतलब 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है, लेकिन जैसे ही हम गुप्ता डायनेस्टी में पहुंचते हैं तो ये हमारी ब्राह्मी लिपि भी दो भागों में बट जाती है। उन दोनों भागों को हम एक साथ बोलते हैं गुप्त नागरी, गुप्त लिपि, इसको आप यहां समझिए, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से आगे जो डेवलप इसका होता है वो हो जाता है नागर लिपि में, नागर लिपि में हो जाती है। फिर नागर लिपि से आ जाती है देवनागर लिपि, देवनागर लिपि, ये आपको ध्यान रखना। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती? देवनागर लिपि में। अगर लिपियों का विकास पूछा जाएगा तो सबसे प्राचीन लिपि अगर पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। फिर उसके बाद ये, अगर ये विकास क्रम है, आप ये विकास क्रम को जो है तो याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि लिखी कहां तक जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। कहां लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? तो इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। किसमें? रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। क्या? इंग्लिश, ठीक है। रोमन लिपि को ही बोला जाता है ग्रीक लिपि, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता। रोमन लिपि को ही क्या बोला जाता है? ग्रीक लिपि बोली जाती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लिपियों का विकास। अब आएंगे हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको एक से दो बार देखें दोस्तों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी छूट के नहीं जाएगा। मर्जी जितना डिटेल क्वेश्चन पूछ लें, आपने अगर पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये लिपियों का विकास क्रम हो गया। अब लिपियों का, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें पूछ दिया जाता है कि ये जो रोमन लिपि होती है वो कैसे लिखी जाती है, तो उल्टा लिखी जाती है। मतलब हिंदी अभी आपने देखा देवनागर, बाएं से दाएं देखा तो क्या हो जाएगी? दाएं से बाएं हो जाएगी, बस उल्टा हो जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ, इसको समझते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी बता दिया, भाषा परिवार भी बता दिया, हिंदी है कैसी ये भी बता दिया, अब हिंदी का विकास कैसे हुआ ये बताता हूं। हिंदी का जो विकास हुआ है उसका भी मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर देता हूं आपको ध्यान रख। सबसे पहले हुई है हमारी, हम सब जानते हैं, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत को क्या बोलते हैं? देव भाषा भी बोलते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, ठीक है। तो उस बात को अपने को नहीं जानना है, केवल अध्यात्म में ये बात लिखी हुई है। तो देव भाषा हमारी क्या है? संस्कृत हो गई। संस्कृत से जो विकास हुआ है तो वो किसमें हुई है? पाली भाषा आई है। कौन सी भाषा आई है? पाली। जब गौतम बुद्ध लोग थे तो गौतम बुद्ध लोग जितने उपदेश अपने दिए हैं तो पाली में दिए हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध लोग किस भाषा में उपदेश दिया करते थे, तो पाली भाषा में देते थे, ठीक है। पाली के बाद जो भाषा, ये एक ही भाषा थी, उसमें परिवर्तन होता चला गया, उसमें अपभ्रंश होता चला गया, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। ऐसा नहीं कि इन क्षेत्र में एक नई भाषा आ जाती थी, नहीं नहीं, यही भाषा जो है संस्कृत इतनी कठिन थी कि वो सामान्य जनमानस के समझ में आने वाली नहीं थी, इसलिए उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया। तो जब उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो क्या आ गई? पाली आ गई। अब पाली भी कठिन थी है, तो उसके लिए क्या दिया गया? प्राकृत भाषा दिया गया। क्या दी गई? थोड़ा सरल की गई, प्राकृत। ये जैन मुनियों के समय की भाषा, मतलब महावीर जैन के समय ये भाषा थी। तो इसमें पूछा जाए कि महावीर लोग किसमें उपदेश दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है। फिर इसके बाद आती है अपभ्रंश। क्या आती है? अपभ्रंश आती है, ये आपको याद रखना है, अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश के बाद आती है अवहट्ट आती है, अवहट्ट आती है, ये याद रखना। अवहट्ट के बाद जो है प्राचीन हिंदी आती है, प्राचीन हिंदी आती है। प्राचीन हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी, ये भाषा का विकास है। इस तरह से जो आधुनिक हिंदी हमारे सामने है, हम सबके सामने है, तो उसका जो विकास का क्रम है तो इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हिंदी की आदि जननी पूछे तो आप क्या बोलेंगे? संस्कृत बोलेंगे, ठीक है। वैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, तो आपको ये अगर अपभ्रंश आपको ऑप्शन में दिख जाए
तो आपको अपभ्रंश कहना है। क्या कहना है? अपभ्रंश कहना। अगर आदि क्वेश्चन लगा दिया जाए तब आपको संस्कृत कहना है। ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध लोग किस भाषा में उपदेश देते थे, तो पाली में देते थे। अगर जैन ऋषियों द्वारा पूछ लिया जाए, मतलब महावीर को पूछ लिया जाए, तो क्या कह किसको कहेंगे? प्राकृत भाषा में कहेंगे। ठीक है ना। जितने भी जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख में जो भाषा यूज की जाती थी, तो क्या? पाली यूज की जाती थी। ये इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे हिंदी के भाषा का ये विकास क्रम है। इस तरह से हमारी ये हिंदी का विकास क्रम हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं, भाषा तो हो गई, अब समझ लेते हैं कि उपभाषा क्या होती है, क्षेत्रीय बोलियां क्या होती हैं, विभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि भारत में 436 बोलियां हैं। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, MPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितनी बोलियां हैं? 436 बोलियां हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जो बोलियों के आधार पर जो होती है, तो भाषा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले होती है क्षेत्रीय भाषा। क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा। फिर होती है परनिष्ठित भाषा। दूसरी होती है परनिष्ठित भाषा, निष्ठित भाषा होती है। फिर होती है भाषा। ये आपको याद रखना। भाषा के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है, एक राजभाषा पढ़ना है, एक राजभाषा पढ़ना है, और दूसरा राष्ट्रभाषा पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीजों को पढ़ना है। अब एक एक करके समझते हैं क्षेत्रीय भाषा क्या होती है। क्षेत्रीय भाषा हमारे परिवार, हमारे समाज की, किसी क्षेत्र विशेष की, किसी समुदाय विशेष की, किसी परिवार विशेष की भाषा को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। क्षेत्रीय भाषा में जो अंतर आपको याद रखना है, क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण नहीं होती है। क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे अपन हम देख लें कि जैसे सपोज करिए कि आप सतना डिस्ट्रिक्ट में हैं, सपोज करिए सतना डिस्ट्रिक्ट में आप चित्रकूट साइड जाएंगे तो वहां की थोड़ी सी भाषा आपको चेंज मिलेगी। उसके 10 किलोमीटर इधर आएंगे थोड़ी सी चेंज मिलेगी, तो क्या हो जाए? ये क्षेत्रीय भाषा है। हर एक 10 किलोमीटर में हिंदुस्तान में भाषा चेंज होती है, बोली चेंज होती है। इनफैक्ट बोली चेंज होती है, भाषा नहीं चेंज होती। तो क्षेत्रीय भाषा में आते हैं हमारे परिवार की भाषा, हमारे क्षेत्र की भाषा, हमारे समाज विशेष की भाषा, हमारे समुदाय विशेष की भाषा को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। इनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, बाकी इनका ज्यादा व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, व्याकरण बिल्कुल नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी में समझिए, जब क्षेत्रीय भाषा में, एक ही चीज से तीनों चीजें बताऊंगा आपको समझना है, जब क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण मिल जाती है और उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो क्या कहलाती है? परनिष्ठित भाषा कहलाती है। जैसे ब्रज भाषा देख लीजिए, जैसे भोजपुरी भाषा देख लीजिए। भोजपुरी क्या है? परनिष्ठित भाषा है। ठीक है, पहले तो किसी क्षेत्र विशेष में थी लेकिन आज उसका क्षेत्र व्यापक हो गया है, उसमें साहित्य की रचना होने लगी। इसी तरह से ब्रज भाषा, इसी तरह से अवध भाषा, अवधी भाषा, इसी तरह से कौरवी, इसी तरह से बुंदेली है। तो इनमें सब में क्या हो गया? ये पहले क्षेत्रीय भाषा थी, इनमें व्याकरण मिलती गई, साहित्य का सृजन होता गया, इनका क्षेत्र बढ़ता चला गया, तो क्या हो गई? परनिष्ठित भाषा। जब परनिष्ठित भाषा का क्षेत्र और व्यापक हो जाता है, राष्ट्र लेवल पर हो जाता है, राज्य लेवल पर हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? तो मैंने आपको समझा दिया, क्षेत्र विशेष की भाषा, परिवार विशेष की भाषा, समाज विशेष की भाषा क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण नहीं होता। ठीक है, जब क्षेत्रीय भाषा में परनिष्ठित भाषा मिल जाती है, सॉरी, जब क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण मिल जाए, साहित्य का सृजन होने लगे, तो क्या कहते हैं उसे? परनिष्ठित कहते हैं। हिंदी एक परनिष्ठित भाषा है, ध्यान रखिएगा। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी एक परनिष्ठित भाषा है। किससे परनिष्ठित हुई है? अपभ्रंश से। किससे परनिष्ठित हुई है? अपभ्रंश से। दूसरी चीज, अगर आपको ऑप्शन में अपभ्रंश ना दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है खड़ी हिंदी से, या खड़ी बोली की परनिष्ठित है। खड़ी बोली की क्या है?
पर निश्चित है, याद रखना। खड़ी बोली को ही दोस्तों कौरवी हिंदी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। खड़ी बोली को ही क्या बोलते हैं? कौरवी हिंदी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अमृत के समान ये लेक्चर होने वाला है। जिन लोगों ने एक दो बार भी अगर MPSI का एग्जाम दिया है, थोड़ा भी प्रिपरेशन करके, कतिपय कारणों से उनका नहीं हो पाया था, तो उन लोगों को अनुभव होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कितने भर के पूछे जाते हैं। तो खड़ी बोली अथवा कौरवी एक ही चीज है, ठीक है? तो खड़ी बोली अथवा कौरवी की जो है परिनिष्ठित क्या है? हिंदी। तो हिंदी कैसी भाषा हो गई? हिंदी की एक नई परिभाषा मिल गई कि हिंदी परिनिष्ठित है। अभी हमने देखा था यहाँ कि हिंदी वियोगात्मक है, हिंदी विश्लिष्ट है, अब हम देख रहे हैं कि हिंदी क्या है? परिनिष्ठित भी है, ठीक है? तो ये तीन भाषाएं आपको ध्यान, अब इसमें देखना है राजभाषा क्या है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए, भारत के केवल 10 राज्यों की हिंदी राजभाषा है। पहली चीज तो आपको ये नोट कर लेना, 10 राज्यों की है केवल, ठीक है? ओके, अब ये समझते हैं राजभाषा क्या है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है? सरकारी कामकाज की जिस भाषा में सरकारी कामकाज हो, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें तो जो ऑफिशियल वर्क है वो किस में होगा? हिंदी में होगा, ठीक है? तो हिंदी कैसी भाषा हो गई? राजभाषा हो गई। हालांकि हिंदी को भारत में राज और राष्ट्र दोनों भाषा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी को भारत में राज एवं राष्ट्र दोनों भाषा कहा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है, तो केवल और केवल 10 राज्यों की है, ठीक है? हिंदी भाषी राज्य, ठीक है, जो उत्तर के मुख्य रूप से है। तीसरी चीज, दूसरा इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है भारत में, तो याद रखना है आपको नागालैंड की है। कहां की? नागालैंड की जो भाषा है, राजभाषा है, वो इंग्लिश है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं, अब यहां संवैधानिक चीज समझ लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना है कि संविधान का भाग 17, ठीक है? कौन सा भाग? 17, ये चीज। दूसरी चीज, आठवीं अनुसूची। हमारे सहयोगी टीचर ने अनुसूचियों के बारे में वीडियो अपलोड किया है, उसमें आठवीं अनुसूची देखिएगा, भाषा से संबंधित होगी। तो भाग संविधान का भाग 17, संविधान की अनुसूची 8वीं, और संविधान का अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब? अच्छा, इसके लिए एक राजभाषा आयोग बना था, 14 सितंबर 1949 को बना था। उसी के कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग बना, उसी दिन से जो है, तो ये 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो अगर आपसे संविधान का भाग पूछे तो आपको याद होना चाहिए 17वें भाग में, अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची, भाषा से संबंधित है जिसमें 22 भाषाओं को, अगर अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो 343, ठीक है ना? किस अनुच्छेद में? 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं हिंदी की उपभाषाएं। ओके, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषा किससे बनती है? बोलियों से मिलके उपभाषा बनती है, उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है, ठीक है? भाषा से पहले एक चीज आती है, विभाषा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले होती हैं बोलियां। बोलियां क्या होती हैं? क्षेत्रीय होती हैं, लेकिन जब बोलियों का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वो बोलियों के बाद आती है आपकी विभाषा। विभाषा आती है, विभाषा के बाद उपभाषा, उपभाषा के बाद भाषा,
ये समझिए। अब देखिए पूछ लिया जाता है विभाषा क्या होती है, बोलियों से जो बड़ा क्षेत्र होता है विभाषा कहलाता है, विभाषा में साहित्य का सृजन होता है, बोलियों में साहित्य का सृजन नहीं होता लेकिन विभाषा में साहित्य का सृजन होता है। तो हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी, ये आपको मैं यहां पास टेबल ड्रा कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, मैं ड्रा कर रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सबसे पहले आती है राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजस्थानी हिंदी है तो राजस्थानी तो होगी ही। राजस्थान में एक बड़ी प्रसिद्ध भाषा है, कौन सी? मारवाड़ी, याद रखिएगा मारवाड़ी। तो मारवाड़ी किसकी बोली हो गई? राजस्थानी की, ठीक है। राजस्थान में एक और भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है सॉरी, और वो होती है सिंध। कौन सी बोली जाती है? सिंध, ये आपको याद रखना है। दूसरी होती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसमें आती है, आपको मैं बता दूं, ब्रज भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रज भाषा, ठीक है। दूसरी आती है खड़ी बोली, दूसरी आती है खड़ी बोली। तीसरी आती है बुंदेली, बुंदेली, बुंदेली जो है वो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। फिर आती है नेक्स्ट पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आती है हमारी बघेली, पूर्वी हिंदी में आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीस बस मैंने लिखा है समझ जाएंगे, और अवधी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जाता है कि किस भाषा को काव्य भाषा कहते हैं, तो अवधी को काव्य भाषा भी कहते हैं, याद रखिएगा काव्य भाषा भी इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है, काव्य भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं पूर्वी हिंदी के बाद आ जाती है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में क्या आती है? भोजपुरी आती है, भोजपुरी, मैथिली, मैथिली आती है, और मगही आती है। जिन लोगों ने एक बार भी एग्जाम दिया हुआ है वो लोग इस वीडियो को देख के झूम उठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है, चाहे मर्जी कितने सेट में हो जाए, मर्जी कितने शिफ्ट में ऑनलाइन पेपर हो जाए, आप ऐसा कोई सेट पेपर ही नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। पूछ लिया जाता है कि मगही मैथिली कहाँ बोलते हो, हम जानते हैं कि ये सब कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की राजधानी पटना के आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ध्यान रखना है मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी मत करिएगा, ठीक है। कौन सी बोली जाती है? मैथिली, पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, ये आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड, जिसमें आ जाती है गढ़वाली, गढ़वाली और कुमायूनी आ जाती है, कुमायूं की पहाड़ियां उत्तराखंड में है, जो कभी अगर जो लोग गए होंगे तो बहुत। तो ये है, ये हिंदी की उपभाषाएं, राजस्थानी हो गई, कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये आपको, पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी होगी ये बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी ये आती हैं, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों एक से दो बार वीडियो को जरूर देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगर वीडियो लेक्चर ठीक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।